हाय गाइस गाइस आज मैं अनबॉक्सिंग एंड टेस्टिंग करने वाला एक 2-in-1 डुअल मोड भाई एक डेफोर्मेशन कार की, और इस डेफोर्मेशन कार को आप कई मॉडल एंड मल्टीकलर में आप मंगा सकते हैं दोस्तों। भाई आ जाती है एक पहले तो लैम्बोर्गिनी में, और भाई एक ये आ जाती है हमारी जीप रैंगलर के स्टाइल में, और ये आ जाती है भाई बुगाटी में, और ये आ जाती भाई ये भी एक हमारा ये BMW स्टाइल आ जाता है भाई, ये मैंने पहले भी अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है भाई। और एक और कार स्टाइल में आ जाती है स्पोर्ट्स कार में, और ये ट्रेन में भी आ जाती है भाई, और एक ये और स्पोर्ट्स। और भाई ये देखते हैं इसके अंदर में अलग से बटन मिलता है, रोबोट खुद बनती है या भाई रिमोट में अलग फीचर मिलेगा, चलिए देखते हैं। तो भाई मैंने इसको भाई किया दोस्तों अमेजोन से, भाई लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों डाल दिया पहले से ही, और अब तक आपने हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को, और जल्दी भाई हम अपने चैनल पर लाने वाले हैं भाई रिमोट कंट्रोल सुपर बाइक, वो आपको वीडियो जल्दी मिल जाएगी। और दोस्तों ये तो भाई रिमोट बॉक्स में भाई इंक्लूड कुछ भी नहीं मिलता है, एक रिमोट मिल जाता है और बस एक कार मिलेगी आप, कार आ जाती है भाई। कार का कलर तो काफी बढ़िया है भाई, फिनिशिंग एंड कलर काफी बढ़िया मिल जाता है। और भाई आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, अगर भाई आप होटो ही अगर आपको होटो एफॉर्मेशन कार के बारे में बताओ तो आप कमेंट्स करके हम उनकी वीडियो जल्दी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। भाई आपको भी टॉय की अगर वीडियो देखना चाहते हो तो आप कमेंट जरूर करें, और देख सकते हैं भाई ये रोबोट खुद भी देख सकते हैं भाई, ये हम हैंड से भी बना सकते हैं। और भाई ये काफी सबसे पहले मैं बताऊं भाई इसका साइज बहुत कम मिल जाता है, मतलब साइज बहुत छोटा मिल जाता है भाई, 13 सेंटीमीटर का इसका साइज मिल जाएगा भाई। सबसे पहले तो इसका साइज मेरे को बहुत बेकार लगा भाई, साइज बहुत छोटा मिल जाता है जिस प्राइस सेगमेंट भाई आती है, ये 520 में आ जाएगी भाई, 520 रुपीज की भाई ये मैंने इसको बाई किया अमेजोन से, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और ये लैम्बोर्गिनी डिजाइन में आ जाती है भाई, और फ्रंट मिरर इसका ब्लैक मिल जाता है, साइड की भी और विंडो भाई ये सब एक रोबोट बन जाती है भाई हैंड से भी, तो देख सकते हैं कुछ ये अंदर रोबोट है भाई हमारा, और ये पीछे से हिलता रहेगा उसके ऊपर भाई फेस में मिल जाता है हमें। और भाई इसके अगले टायर भाई वर्क नहीं करते, मतलब ऐसे टायर लगा रखे हैं भाई, और पिछले वाले वर्क करेंगे भाई, जो मेन भाई पिछले वाले टायर मिल जाते हैं। और सबसे पीछे दोस्तों इसमें एक ट्रांसपेरेंट भाई मिरर लगा रखा है ब्लू कलर का, इसके अंदर भाई लाइट्स मिलती है कई कलर की, देखते हैं कितने कलर की, अभी हम बैंड इंस्टॉल करेंगे। और भाई बट ठीक है दोस्तों, और कुछ नहीं मिलता, एंटीना नहीं मिलता, और साइज बहुत कम मिल जाता है दोस्तों, और बिल्ड क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं मिलती, रोड में भाई टूट जाएगा अगर ये आपके हैंड से गिर जाता है। बिल्ड क्वालिटी एंड साइज में भाई ये बैड है भाई, मतलब इसके अंदर दो कमियां मिलते हैं दोस्तों, साइज भी बहुत कम मिल जाता है और बिल्ड क्वालिटी भी थोड़ी बेकार मिल जाती है देखने को इसकी। और भाई आ जाते हैं नीचे से कुछ, तो नीचे की कुछ अलग सी लगती है भाई नीचे से दोस्तों। ये आ जाते हैं इसमें ऑन ऑफ के लिए भाई पीछे एक रेड कलर का स्विच इंडिकेटर, और कार की बात करते हैं बाद में दोस्तों। ये आ जाते हैं भाई रिमोट, रिमोट में एक एंटीना मिल जाएगा बड़ा सा रेड कलर का भाई, और रिमोट में भाई हमें दो ही बटन दिखाई दे रहे हैं दोस्तों गोल, और भाई देखते हैं ये राइट लेफ्ट में भी चल पाएगी या रोबोट के लिए भाई कोई बटन मिलता है भाई, दो बटन यहाँ पर हैं भाई, हम वर्क तो नहीं करते, और देखते हैं भाई ये रोबोट खुद बनेगी या अपने हैंड से हमें बनाना होगा। सिल्वर के अंदर भी भाई हमारी दो साइड मिल जाती है दोस्तों 1.5 वाट की, और दो साइड में लगा लेता हूँ फटाफट से दोस्तों, फटाफट से भाई मैंने दो साइड रिमोट में सबसे पहले इंस्टॉल कर दी भाई, और देखते हैं भाई और रिमोट में भाई ना तो कोई भाई लाइट इंडिकेटर भी नहीं दिया भाई इस रिमोट में, रिमोट बहुत छोटा सा मिल जाता है भाई, स्मॉल सा रिमोट। और चलिए कार के अंदर भी फटाफट से मैं इंस्टॉलिंग कर लूंगा, और सबसे भाई इसका मेन फीचर देखते हैं लाइट्स में मिलती नहीं, सेल लगा रहे हैं हम। और भाई मेरे पास बैटरी रखी है आपको पता है बहुत सारी जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, और भाई चलिए देखते हैं इसके अंदर भाई इंस्टॉलिंग हमने कर दिया कंप्लीट, और स्विच को खोल लेते हैं भाई ओन, जैसे स्विच प्रेस करते हैं भाई इसके अंदर लाइट्स मिलती है भाई, एक एक लाइट्स मिलती है ओनली ग्रीन कलर की भाई। रोबोट देखते हैं भाई खुद बनता है या नहीं भाई, या खुद चलेगी या राइट लेफ्ट में भी मुड़ पाएगी, चलिए देखते हैं इसको अभी टेस्टिंग करते हैं। तो भाई ये आगे चल जाता है इससे, और इससे ये भाई पीछे चल जाती है, इससे आगे भाई इधर वाले से आगे चल जाएगी, और इस वाले से भाई पीछे भाई, इसको आप ना तो भाई इसमें कोई बटन मिलता ना तो मतलब इसको राइट में कर सकते भाई ना लेफ्ट में, ये 4 फंक्शन वाली लग रही थी भाई जैसे मैंने इसको बाई किया, देखने भाई लगती है 4 फंक्शन वाली कार हो भाई, ये बहुत बेकार कार है दोस्तों, ना तो भाई अब इसके मतलब टर्न कर सकते राइट लेफ्ट के अंदर, और ना भाई इसका रोबोट खुद मतलब अब अपने हैंड से हमें इसका रोबोट बनाना होगा भाई ये ऐसे, और जब भी आप इसको भाई आगे एंड पीछे चला सकते हैं दोस्तों, मतलब ये अपने आप ओपन क्लोज नहीं होगा दोस्तों, अपने हैंड से ही आपको कंट्रोल करना है बस दोस्तों। तो मतलब भाई इसका साइज भी बहुत कम मिल जाता है, बिल्कुल क्वालिटी भी अच्छी नहीं मिलती, और भाई रिमोट में राइट एंड लेफ्ट के बटन नहीं मिलते, और ना भाई इसका रोबोट बनता हुई, और चलिए देखते हैं भाई स्पीड भी इसकी हमें कैसे मिलती है, चलिए देखते हैं। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों इसकी टेस्टिंग करके, ओ भाई ये इससे आगे चल जाएगी, और भाई इस राइट वाले से भाई ये बैक में चल जाती है, और दोस्तों इसे फॉरवर्ड और इसे बैकवर्ड चल जाएगी दोस्तों, और भाई लाइट इसकी ऑफ नहीं होती, और भाई खुद ही टर्न कर लेती है थोड़ा सा, ये गोल गोल घूमने लगे दोस्तों। भाई कमी में इसके अंदर बैड पॉइंट बताता हूँ दोस्तों मैं, भाई इसके अंदर में ना तो कोई भाई रिमोट में बटन मिलता अलग से, जैसे कि दोस्तों मैं अपने हैंड से इसको भाई रिमोट को से कंट्रोल नहीं कर सकते भाई इस कार को दोस्तों, इसके रोबोट को भाई हम तैयार नहीं कर सकते, मतलब रिमोट ये रोबोट अपने आप नहीं उठेगा भाई ऊपर, मतलब रोबोट तैयार नहीं होता इसका, इसके लिए रिमोट में कोई बटन नहीं मिलता, दो बटन मिलते हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड के भाई इस कार के अंदर हमारे इस रिमोट के, ये फीचर भाई ये हमें अपने हैंड से ही मतलब अपने हैंड से ही ऊपर उठाना होगा भाई, इसका रोबोट भाई हैंड से ही ऊपर उठाना होगा, हैंड से इसको क्लोज एंड ओपन क्लोज हमें खुद ही करना है दोस्तों। भाई ये इसमें कमी मिलती है भाई, साइज भी कम मिलता है और बिल्ड क्वालिटी बेकार मिलती है, और भाई ये फीचर भी हमें रिमोट में नहीं मिलता इस कार में के लिए, कि रोबोट भाई खुद बनना चाहिए था जब काफी बेटर होती भाई ये कार,
तो भाई अब तो बस आप इसे नॉर्मली भाई आगे एंड पीछे चला सकते हैं। दोस्तों रोबोट बनने के बाद भाई ठीक लगती है, नॉर्मली से अपने आप ही भाई रोबोट बंद होता रहता है, मतलब बहुत दिक्कत करती है भाई। भाई ये रोबोट अपने आप बनना चाहिए था।